कसोल की मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाई साहब लगे हुए हैं घास खाने, इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। कसोल की मॉर्निंग है, रिवर साइड कैंप था ये रहा। तो मुकाबला नहीं है इस जगह का। क्यों? तो यार हम मणिकरण साहब पहुंच गए हैं। तो यार अब हम आ गए हैं कसोल की जो है मॉल रोड। कसोल की मॉर्निंग है, रिवर साइड कैंप था ये रहा। और अब हम जा रहे हैं रिवर देखने। तो ये मेरे कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं। क्या ये बिल्ली? ये कौन सी पत्तियां हैं ये? ओ ये ऑर्गेनिक पत्तियां हैं, खाने में डलती हैं किसी ब्राउनी में। खैर छोड़ो, चलो चलो। मेरा कसोल में आना फर्स्ट टाइम है, बड़ा ही सही है, साफ पानी है। हम पैर डाल के बैठेंगे अभी, हम देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है इस कैंप में, जैसे कि साबुन नहीं होगा यहाँ पर, हमें अपना वो खुद लाना पड़ेगा। और शैम्पू टाइप ये सब बॉडी लोशन ये प्रोवाइड नहीं कराते यहाँ सारे कैंप्स हैं। मेरे ख्याल से इस सब में ही नहीं होगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, इनमें तो नहीं है, बाकी का पता नहीं। तो यार अगर नेचर की बात की जाए ना तो मुकाबला नहीं है इस जगह का। क्यों? मुझे तो नहीं लगता। नहीं है ये मना कर रहे हैं, होगा मगर मुझे पता नहीं। नेचर के मामले में ये जगह बहुत ऊपर होता है। हाँ जी, तो अभी हम निकल रहे हैं मणिकरण साहब के लिए। यहाँ अपने कैंप से निकल रहे हैं मणिकरण साहब के बाद हम शॉपिंग वॉपिंग करने जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो यार हम मणिकरण साहब पहुंच गए हैं, डायरेक्ट सीधा मणिकरण गए हैं। ये रिवर है, बाकी एक बात तो है नेचर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक साइड पर गर्म पानी आ रहा है और एक ही साइड पर ठंडा पानी। चलो हिस्ट्री बताता हूँ आपको अगले। तो गाइस हिस्ट्री कुछ ऐसे थी कि गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दोनों एक साथ यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तो भाई मर्दाना जी ने भूख के बारे में गुरु नानक देव जी को बताया, तो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से एक पत्थर को हल्का सा हटाया और नीचे से गर्म पानी आने लग गया। जब गर्म पानी नीचे से आया तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को बोला कि आपके राशन का सामान है, आटे की रोटी बनाओ और इस पानी में डाल दो। जब उन्होंने इस पानी में डाली तो रोटी डूब गई। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को कहा कि आप सच्चे मन से अरदास करो। करी तो फिर अरदास करने के बाद वो रोटी जो थी बनकर ऊपर आ गई। तब से लेके अब तक इस जगह पर मतलब गर्म पानी से 2400 घंटे लंगर बनता है यहाँ पर, बिना प्याज लहसुन और अदरक। साथ में ही नैना देवी का मंदिर भी है। उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि माता पार्वती नदी के किनारे घूम रही थी तो उनका कान का नगीना नदी में गिर गया। माता पार्वती ने बहुत ढूंढा अपने भक्तों को भी भेजा ढूंढने के लिए, मगर उनको मिला नहीं क्योंकि नगीना जो था वो नीचे पाताल लोक में शेषनाग के पास चला गया था। फिर जब शिव जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने तीसरी आँख खोल के अपना नृत्य करना शुरू कर दिया, नीचे पाताल लोक में भूकंप आना शुरू हो गया। तो फिर शेष नाग ने ऊपर माता पार्वती का जो नगीना था वो वापस ऊपर धरती पर भेज दिया। और यहाँ पर मान्यता भी है कि नंदी बैल के कान में अगर हम कोई भी विश मांगते हैं तो वह पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर लोग अपना लंगर जो है खुद खरीद कर कच्चा लंगर बनाकर उबले पानी से वो खाना पसंद करते हैं। तो यार घूम तो लिया ही है, मगर एक चीज़ अंदर जाके रियलाइज़ होती है कि नेचर से बढ़कर कोई भी नहीं है। अंदर पॉजिटिविटी सही था, हिस्ट्री भी पढ़ी मैंने, आपको फोटो डाल दूंगा आप भी पढ़ लेना। ओ यार मैं आपको एक और नेचर का सौदा दिखाता हूँ, कसम से बहुत ही एंड जगह है, मजा आ गया देख के। शायद कैमरे में वो फील ना आ पाए मगर जब आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आपको ये चीज़ फील होगी, कसम से कह रहा हूँ वर्थ है। कुछ मेरे दोस्त मुझे मिले हैं। हेलो भाई, हाउ आर यू? यू यार मेरा दोस्त, क्लासमेट, बैचमेट, ये लड़की है, ये गुमनाम रहती है, इसका कोई कुछ नहीं है। तो तो कैसा लगा आपको असम के, जो कभी कोई कुछ नहीं बोलता उसने हाई गाइस बोला? चलो तो यार बहुत सही लग रहा है, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है।
अब हम चलेंगे थोड़ी सी ट्रैकिंग करने, और ये ट्रैकिंग बाकी देखते हैं कैसे रहता है। अरे भाई साहब लगे हुए हैं घास खाने, इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। एक पैर फिसलेगा और नीचे नदी में, नदी में, नदी में, हाँ नदी में। हमारी नकली ट्रैकिंग जारी है गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं नाम की ट्रैकिंग है, पर यार व्यू बड़ा अच्छा है, व्यू तो बहुत अच्छा है। बाकी यार जब भी आओ तो यहाँ पर प्रेफर करो ट्रैकिंग वाले शूज ही पहनो, नॉर्मल पहने हैं तो कुछ दोस्त मेरे फिसलते फिसलते बचे हैं, तो थोड़ा रहते ही ऐसी जगहों पर, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता होता कि हम किन के साथ हैं और कहीं पर भी निकल जाते हैं, कुछ भी हो सकता है इसलिए। तो यार अब हम आ गए हैं कसोल की जो है मॉल रोड। सामान बढ़िया भी है मगर दिल्ली से तो महंगा ही है, क्योंकि इनको भी अपनी कमीशन रखनी होती है। बाकी मार्केट अच्छी है और नया खाना मिल सकता है हमें यहाँ पर, जैसे कि इनके मोमोज बड़े टेस्टी हैं दिल्ली से, या अलग टेस्ट है इसलिए अच्छे लग रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। बाकी यार मार्केट तो सही है इनकी, बहुत सही सही सामान भी है। तो यार कसोल में जो लेना था ले लिया, खाना था खा लिया, घूम भी लिया, अब हम बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो बाकी अच्छी जगह, एक बार मज़ा आ गया वैसे घूम के, दोस्तों के साथ मेमोरी भी बन गई। तो फिर बाय।